हमारे ही ये भरो करने के लिए। वही प्रभु अपने वचनों में हमसे कहता है जिसका प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 में नाम है, वो सर्वशक्तिमान है। उस प्रभु के समक्ष हम हैं, हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और आज के दिन जब प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित हुए हैं, तो हम सभी दिन दुखियों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हम उस प्रभु के समक्ष जो हमारे चरवाहा है, जिस प्रकार से प्रभु का वचन यूहन्ना अध्याय 11 पद संख्या
12 पर संख्या 11 में कहता है कि भला गडेरिया मैं हूँ। उस गडेरियों को, उन सभी भेड़ों को जो में है, तकलीफ में है, समस्या में है, विशेष रूप से कोरोना वायरस के द्वारा जो भयभीत हुए, जो अफेक्ट हुए हैं, या उसके लक्षण जिन जिन को पाए गए हैं, या जिस दुनिया में संसार के कोने कोने में उसके सभी लक्षणों को हमें चरवाह के पवित्र नाम से आदेश करने के लिए आए हैं कि प्रभु के पवित्र नाम से ये वायरस, ये बीमारी दूर हो जाए, विपत्तियां दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु हमसे कहता है मैं वह ईश्वर हूँ जो स्वस्थ करता हूँ। तो आइए उस प्रभु में जिसमें हम विश्वास करते हैं, जो प्रकाशना ग्रंथ में जिसका नाम आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा, उसके समक्ष हम आए हैं, उसकी हम आराधना करें। प्रभु वचन हमसे अपने वचनों में कहता है कि मत्ती अध्याय 3:19 में कि प्रभु जो ईश्वर का सबसे प्रिय पुत्र है, उसके समक्ष हम आए हैं, उसकी आराधना करें। वह प्रभु जो तसलोनियों के ग्रंथ अध्याय 1:18 में कहता है कि वह हमारा मुक्ति दाता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आज के पाठों में हमने सुना है, वह हमारी स्त्री कहती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह आने वाले हैं, और प्रभु उस समय उससे कहता है कि मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ। आज वह प्रभु हमारे बीच में है, हम आज सारे संसार को उसे समर्पित करें, संसार के एक एक जन को प्रभु को समर्पित करें, संसार के सभी लोगों को प्रभु को समर्पित करें, जो विशेष रूप से इस वायरस के द्वारा जो प्रभावित हुए हैं उनको प्रभु के हाथ में समर्पित करें, उसके द्वारा जो भी डरे हुए उन्हें प्रभु के हाथ में समर्पित करें, उस वायरस के तोड़ के लिए या उसकी इलाज के लिए वैज्ञानिकों को जल्द से जल्द इसका इलाज मिले, उसके लिए हम प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें। आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर में जिसका नाम हमारी आशा है, वह हमारा होप है, तो उसका जैसे कि तिमोथी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वह हमारी आशा है, वह हमारे मीडिएटर है, परमपिता के समक्ष वह हमारा वकील है। हम उसके समक्ष अपने जीवन को समर्पित करते हुए, साथ ही साथ सभी लोगों को समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए उसकी आराधना करें। आराधना हो, आराधना हो यीशु प्रभु तेरी, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो।
संसार भर को हमारे हाथों में हमारी हथेलियों में रखते हुए पूरे संसार भर को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु के वचनों के द्वारा संसार भर के लिए हम प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए आप सभी मेरे पीछे इस प्रार्थना को प्रभु वचन को दोहराते हुए हम सभी के लिए विशेषकर हमारे सभी भाई बहनों के लिए संसार भर के लिए कोने कोने में हर एक भाई बहन को याद करते हुए आइए हम सब उन सब के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, आपने कहा है तुम ना तो अचानक आप पढ़ने वाले आतंक से और दुष्टों से आक्रमण से डरोगे क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारे पैरों की रक्षा करेगा। हे प्रभु ईश्वर हम पर दया कीजिए हम आपकी शरण आए हैं जब तक संकट न टले महामारी दूर न हटे हम सभी को सारे संसार को आपके पंखों की छाया में रखिए हे प्रभु ईश्वर हम आपको पुकार रहे हैं आप ही हमारे हितकारी हैं हमारे रक्षक हमारी सहायता कर हे प्रभु स्वर्ग से हमारी सहायता कर हमारी रक्षा कर हे प्रभु ईश्वर सारे संसार को आपकी छत्र छाया में समर्पित करते हैं आपने कहा है तुम अपने प्रभु से यह कहो तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़ है मेरे ईश्वर हमें भरोसा है आपने कहा है आप अपने दूतों को आदेश देंगे हम जहाँ कहीं भी रहे जहाँ कहीं भी जाए वे हमारे रक्षा करेंगे हे प्रभु ईश्वर आपने कहा है वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा वैसे
संकट में मैं संकट में उसका साथ दूंगा उसका साथ दूंगा हे प्रभु ईश्वर सारा संसार संकट में है भय में है डर में है हे प्रभु आपने आपने हम सभी को अपने प्रतिरूप बनाया है अपना प्रतिरूप बनाया है आपने कहा है आपने कहा है चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है प्रभु का कथन है हे प्रभु ईश्वर आपने कहा है यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेगी क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ तुम्हारा उद्धार करूँगा हे प्रभु ईश्वर आपने कहा है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो महत्व रखते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ हे प्रभु अपने प्रेम के खातिर डरे हुए संसार को इस महामारी से बचा लीजिए हे ईश्वर आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बादलों में गरजने वाले महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हे ईश्वर हे प्रभु आपके आदेश अपरिवर्तनशील है आपके मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी हे प्रभु यीशु एक आदेश दीजिए अपने बेटे बेटियों को इस भय से महामारी से हे प्रभु यीशु उछा लीजिए संसार भर में हर एक भाई बहन को छोटे बड़ों को हे प्रभु यीशु आपके हाथों में समर्पित करते हैं आप ही हमारी आशा है हमारा भरोसा है हे प्रभु यीशु आपने कहा है यदि तुम एक मत होकर मेरे पिता से जो कुछ भी मांगोगे मेरा पिता उन्हें प्रदान करेगा हे प्रभु यीशु अपनी प्रजा पर अपने बेटे बेटियों पर दया कीजिए यीशु एक शब्द कह दीजिए संसार भर में आपके बेटे बेटियां इस चिंता से डर से भय से मुक्त हो जाए हे यीशु आपके पवित्र लहू से संसार भर को शुद्ध कीजिए हालेलुया Thank you.
प्रभु मंगल जय गुण गा जय प्रभु मंगल जय गुण गा जय प्रभु मंगल जय गुण गा जय प्रभु मंगल जय गुण गा प्रभु मेरी ज्योति है और मेरी मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति है वही मेरी मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। इसलिए स्तोत्रकार आगे प्रभु वचन में कहता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई बहन उस प्रभु के समक्ष हैं जो हमारी ज्योति है, जो हमारी मुक्ति है, तो हमें डरना नहीं है। वह हमारे जीवन की रक्षा करता है तो हमें भयभीत नहीं होना है। और इसलिए नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 8 में प्रभु वचन कहता है, तुम भयभीत ना हो और डरो मत, तुम भयभीत ना हो और डरो मत। तो आइए उसी आश्वासन में, उसी भरोसे में, उसी विश्वास के साथ
जो प्रभु हमारी ज्योति है उसके समक्ष समाए हैं, उसे हम चंगाई का वरदान मांगे सबके लिए, सारी मानव जाति के लिए, सारे विश्व के लिए, विश्व के कोने कोने में व्याप्त हर एक जगह के लिए, हर एक दफ्तरों के लिए, हर एक मोहल्ले परिवारों बाजारों में हम प्रभु की चंगाई को मांगे और हर एक इंसान को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हम ईश्वर की चंगाई मांगे, क्योंकि वचन हमसे निर्गमन ग्रंथ में प्रभु हमसे कहता है कि मैं वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता। हमारा ईश्वर वह है जो निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 15 पद संख्या 24 में कहता है कि मैं वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता। तो हमारी बीमारियों को, खांसी को, दर्द को, गले की पीड़ा को, पेट की पीड़ा को, कोरोना वायरस को, उसके सारे लक्षणों को हम यीशु के नाम से आदेश के साथ कहते हैं कि वह ईश्वर जो स्वस्थ करता है, उसके नाम से हर इंसान चाहे वह कहां पे हो, कहीं पे भी हो, यीशु के नाम से चंगाई को पाए। आइए उस प्रभु के समक्ष अपनी बीमारियों को और सभी की बीमारियों को समर्पित करते हुए हम प्रभु से कहें, क्योंकि यरेमियाह के ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 14 में प्रभु वचन कहता है, प्रभु मेरे मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हम सभी प्रार्थना करें, ना केवल अपने लिए परंतु हर एक इंसान के साथ, उनकी आत्मा के साथ हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आगे प्रभु वचन कहता है, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हम सभी आज प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। तो आइए हम उस प्रभु के समक्ष उन सभी दुखित पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें, भय में पड़े भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, चिंताओं में पड़े भाई बहनों को इस प्रभु वचन के साथ प्रार्थना करें कि हे प्रभु तू मुझे स्वस्थ कर तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा क्योंकि हम तेरी स्तुति कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 में प्रभु वचन कहता है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाही ना करें, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाही ना करें, प्रभु से प्रार्थना करें और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा, वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो आइए उस महान प्रभु में जो स्वस्थ करता है हम प्रार्थना करें, इस बीमारी की अवस्था में, इस डर की अवस्था में, इस भय की अवस्था में, जब सारा संसार इस वायरस के द्वारा भयभीत है, हम प्रभु के नाम पर उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें उस बीमारी से चंगाई प्रदान करें। आइए हम ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकारते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए मेरे पीछे बोलिएगा, हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, तूने कहा है मैं वह ईश्वर हूँ जो स्वस्थ करता हूँ। हे प्रभु ईश्वर, तेरे इन वचनों के द्वारा हम हर एक भाई बहन को जो बीमार है, जो कोरोना के द्वारा ग्रसित है, अफेक्ट हुए हैं, उनमें वो लक्षण पाए गए हैं, उन सभी भाई बहनों को हे स्वस्थ के राजा उन्हें स्वस्थ करे। हे प्रभु ईश्वर, आज हम सभी जो भय के द्वारा, इस वायरस के भय के द्वारा ग्रसित है, उन सभी को भय से मुक्त कर दे, क्योंकि तूने कहा है मैं संसार के कोने तक, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हे प्रभु यीशु, तूने प्रवक्ता में कहा है पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाही ना करे, प्रभु से प्रार्थना करे और वह तुम्हें स्वस्थ कर देगा। हे प्रभु यीशु, सारी मानव जाति के साथ दुख और तकलीफ में पड़े हुए भाई बहनों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ईश्वर हमें स्वस्थ कर दे। हे प्रभु ईश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु के घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे घावों
के द्वारा, तेरे मार खाने के द्वारा, तेरे क्रूस पर ठोके जाने के द्वारा, तेरे पवित्र दुख भोग के द्वारा, हर एक भाई बहन को चाहे वह किसी भी बीमारी से, चाहे कोरोना की बीमारी से क्यों ना हो, उन्हें स्वस्थ प्रदान करे, उन्हें भले चंगे कर दे। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हे परमपिता ईश्वर, प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरे नाम से, पिता ईश्वर से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। हे परमपिता ईश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम से हम मांगते हैं कि यह वायरस खत्म हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, भय दूर हो जाए, और हम सभी विश्व शांति में, आनंद में, भाईचारे में मेरा स्वास्थ्य पाकर अपने डेली जीवन को, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को तेरी महिमा में और आशीर्वाद में, चंगाई में जी सके। आमीन, 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 आमीन। दूर हो जाए, मर जाए, कम हो जाए, कृपा के द्वारा के द्वारा धर्म पिता परमेश्वर से मांगते हैं कि घरों में आशीष रहे, शांति रहे, भय मुक्त रहे। तापमान को बढ़ा दे, गर्मी को बढ़ा दे, और भाई बहन हर प्रकार हम सब दिल से आनंद
सारा मिट जाएगा इस आराधन में। शैतान की बुरी शक्ति भी मिट जाती है यहाँ। बंधन सारा मिट जाएगा इस आराधन में। शैतान की बुरी शक्ति भी मिट जाती है यहाँ। आत्मा की महिमा होवे जैसे गोदी में थी अगर हम का सदा रहेगी। आमीन।